एक पल के लिए मेरी नजर से न हो दूर, एक पल के लिए। हमारे यहाँ एक बड़ा एक प्रॉब्लम ये है, संगीत को बुरा समझा जाता है। मिरासी का लफ्ज कोई बुरा लफ्ज नहीं है, मिरासी का लफ्ज है विरासत से निकला है। म्यूजिक सिखाने वालों की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, सीखने वालों की कमी है। लोग समझते हैं कि ये शॉर्टकट में हम बस आर्टिस्ट बन जाएं और हम फनकार बन जाएं, ऐसा कतन नहीं है। मेरा नाम कामरान अंजुम है, 1970 से मेरा म्यूजिक से ताल्लुक है और आज भी मैं तालिब इल्म हूँ और मैं सीख रहा हूँ म्यूजिक को। ये फ़न ऐसा है कि इसके लिए कई उम्रें दरकार होती हैं। दुनियाए उलूम में दो इल्म ऐसे हैं जिस पर दस्तरस हासिल करना इंसान के बस की बात नहीं है। इल्म मौसीकी जो है वो इतना तवील इल्म है कि इसके लिए ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि हमारे मुल्क में इसके ऊपर कोई सरपरस्ती नहीं है। इल्म मौसीकी में जो बड़े असाज़ा हैं वो मुसलमान ही थे, जैसे मियाँ तानसेन जो जिनका बुनियादी नाम मोहम्मद हुसैन था, वो मुसलमान थे और उन्होंने मौसीकी के ऊपर बड़ी कमांड हासिल की और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। हमारे तबले के बहुत बड़े नामवर उस्ताद गुजरे, अल्लाह रखे खान साहब, वो भी मुसलमान थे। अब शहनाई वाले बिस्मिल्लाह खान साहब, वो भी मुसलमान थे। फनकार तो बड़ा मासूम होता है, उसकी बुनियाद ही मासूमियत पे रखी जाती है। ये इल्म आता ही उसी को है जो बाअदब होता है। अक्सर ज़्यादातर रागों के जो नाम हैं वो हसीन दोशीज़ाओं पे नाम हैं, जैसे कि मिसाल तौर पे गुनकली है, भैरवी है। रागेश्री भी एक दोशीज़ा के नाम से माखूज है, ये भी रागेश्री भी। तो पेश करता हूँ मैं आपके सामने, सारी दुनिया मुझे कहती तेरा सौदा ही है, अब मेरा होश में आना तेरी रुसवा। इंस्ट्रूमेंट्स तो बेशुमार हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मसलन हारमोनियम है, पियानो है, कीबोर्ड है, सितार है, सारंगी है, अलगोज़ा है, फ्लूट है, यानी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पर स्कूलों में म्यूज़िक टीचर्स हैं और बड़े शौक से ऑर्गेनाइजेशन म्यूज़िक टीचर रखते हैं, लेकिन उन्हें कैदो बंद में रखते हैं। उन्हें बस सिर्फ ये कहते हैं ये बच्चे हैं, इन्हें पोइट्री सिखाएं, इन्हें पोइम सिखाएं, इन्हें राइम सिखाएं, तो वो टीचर जो है महदूद हो जाता है। इस एकेडमी को मैंने 19 साल पहले इसकी ओपनिंग सेरेमनी की थी। 19 साल से मैं मसल यानी कि इसको लेकर बैठा हूँ, लेकिन मैं वीरान अकेला बैठा रहता हूँ, सीखने वाले आते नहीं हैं। कोई सीखने आएगा तो मैं बताऊँगा। इसके असरार और रमूज को सीखना पड़ता है। Thank you.